हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो विषय समझाया जा रहा है वो टेक्निकल विषय है, साउंड इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। इसमें आपको वॉइस रेंज के बारे में समझाया जाएगा, जिसे वोकल रेंज कहते हैं। ये वीडियो में जो आवाज़ की बनावट समझाई गई है, जिसे टेक्सचर ऑफ वॉइस कहते हैं, ये इन डिटेल मेरे प्रैक्टिस मैनुअल के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। आप ये मेरा प्रैक्टिस मैनुअल हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मेरे प्रैक्टिस मैनुअल की PDF फाइल मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। और वीडियो के अगले हिस्से में गाते वक्त पट्टी में जो गड़बड़ी होती है वो कैसी होती है, इसकी समझ दी जाएगी चार्ट के ज़रिए और हारमोनियम पर बजा कर। तो ध्यान देकर इस वीडियो को देखिए और समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आवाज़ की बनावट 7 तरह की होती है। सोप्रानो, जो चौथे सफ़ेद एक से छठे सफ़ेद एक तक रेंज होती है। मेजो सोप्रानो, जो तीसरे सफ़ेद 6 से पांचवे सफ़ेद 6 तक रेंज होती है। ऑल्टो, जो तीसरे सफ़ेद 5 से पांचवे सफ़ेद 4 तक रेंज होती है। कॉन्ट्रा अल्टो, जो तीसरे सफ़ेद 4 से पांचवे सफ़ेद 4 तक रेंज होती है। टेनर, जो तीसरे सफ़ेद 1 से पांचवे सफ़ेद 1 तक रेंज होती है। बैरिटोन, जो दूसरे सफ़ेद 4 से चौथे सफ़ेद 4 तक रेंज होती है। और बास, दूसरे सफ़ेद 3 से चौथे सफ़ेद 3 तक रेंज होती है। इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में ऊपर जो बक्सा दिया हुआ है ये है एवरेज फीमेल सिंगर्स का वॉइस रेंज। सामान्य स्त्रियां काली 4 पट्टी यानी जी शार्प स्केल में बड़े कंफर्टेबली गा पाती हैं। अपने शास्त्र के हिसाब से कोई भी इंसान मध्य सप्तक के 12 सुर, मंद्र सप्तक के 5 सुर और तार सप्तक के 5 सुर, कुल मिलाकर 22 सुर बड़े कंफर्टेबली गा पाते हैं। थोड़ी अधिक मेहनत कर और 3 सुर ऊपर के ले पाते हैं, यानी टोटल 25 सुर कंफर्टेबली ले पाते हैं। ये ऊपर के चार्ट में आपको दिखाई देगा। ये मंद्र सप्तक के प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल और नी, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सुर। मध्य सप्तक के सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल और नी, ये 12 सुर। और तार सप्तक के सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, ये 5 सुर कंफर्टेबली गा सकते हैं और थोड़ी अधिक मेहनत कर तार सप्तक का म शुद्ध, म तीव्र और प, ये भी ले पाते हैं। अब जो प्रोफेशनल फीमेल सिंगर्स होती हैं उनकी वॉइस रेंज शुरू होती है सफ़ेद 3 पट्टी से यानी ई स्केल से। तो ये ऊपर के दोनों चार्ट को देखिए, जहाँ पे एवरेज फीमेल सिंगर्स का ध कोमल लगता है वहाँ पे प्रोफेशनल फीमेल सिंगर्स का सा लगता है। तो ये जो कुदरती नियम है जो अपने शास्त्रों में लिखा है उसी हिसाब से ये प्रोफेशनल फीमेल सिंगर्स भी 25 सुरों को अच्छी तरह गा पाते हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट ऊंचा हुआ है इसलिए वो एवरेज फीमेल सिंगर से और ऊंचा गा पाते हैं। इस चार्ट पे से तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ आएगा। अब दिक्कत यहाँ आती है, 98% फीमेल्स जो गाना सीखने जाती हैं उनको मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक सा तक ही रियाज करवाई जाती है। सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, वो कभी तार सप्तक रे ग म प इसकी कोशिश नहीं करते। इसी वजह से ये ऊंचे स्वर यानी तार सप्तक सा के ऊपर के स्वर गाने में एवरेज फीमेल सिंगर्स को
कठिनाई महसूस होती हैं, लेकिन वो अगर रियाज करते वक्त ही सारे ग म प ध नी तार सप्तक सा तार सप्तक रे और तार सप्तक ग यहाँ तक अगर रियाज करे तो वो तार सप्तक ग तक के स्वर स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर थोड़ी अधिक मेहनत कर तार सप्तक का म और प भी अच्छी तरह लगने लगता है। मजे की बात ये है कि जितने भी गाने हैं वो लता जी ने गाए हो या आशा जी ने गाए हो या किसी और प्रोफेशनल सिंगर ने गाए हो, इन गानों का कंपोजिशन तार सप्तक ग तक कॉमन होता है। अंतरा जब आता है तब तार सप्तक के रे ग ये भी लगते हैं और कई कई बार तार सप्तक म और प तक भी आवाज चढ़ानी पड़ती है। अब कोई एवरेज फीमेल सिंगर ये लता जी की या आशा जी की आवाज में गाने की कोशिश करे तो वो नामुमकिन है, क्योंकि कुदरत ने ही उनको वो कैपेबिलिटी दी नहीं है। तो क्या इसका मतलब है लता मंगेशकर जी या आशा जी या अलका जी के गाने एवरेज फीमेल सिंगर्स मधुरता से गा नहीं पाएंगे? जरूर गा पाएंगे, वो अपनी रेंज में गाए और वो ही मधुरता वो गाने में ला सकते हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल अब उषा उत्तप जी का आवाज लता जी आशा जी अलका जी के जितना हाई है ही नहीं। उनका तो आवाज एवरेज फीमेल सिंगर से भी बहुत लो है, 2-3 नोट्स लो है, फिर भी उनके कई गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब समझ लेते हैं ये पट्टी की गड़बड़ी कैसे होती है, ये मिसमैच ऑफ स्केल कैसा होता है। इसके लिए हम असली नकली पिक्चर का जो गाना है तेरा मेरा प्यार अमर, इसे कैसे सिंगर्स ने गाया है इसका नमूना देखेंगे। ये लता जी ने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हुआ है जी शार्प स्केल यानी काली चार पट्टी तार सप्तक की। अब सामान्य स्त्रियों ने जिन्होंने कोशिश की उन्होंने इस गाने का मुखड़ा काली तीन पट्टी में उठाया। इस गाने का अंतरा प से शुरू हुआ, कह रहा है मेरा दिल। ये काली चार का जो तार सप्तक म है यहाँ से ये अंतरा शुरू हुआ है, लेकिन आम स्त्रियां जो रियाज करती हैं सिर्फ सारे ग म प ध नी सा, उनको ये म यहाँ पहुँचने में तकलीफ होती है। यहाँ पे उन्होंने कह रहा है मेरा दिल ये गाना जरूरी है, लेकिन यहाँ वो पहुँच नहीं पाती। तो होता क्या है, जब वो अंतरा शुरू करती हैं तब यहाँ पे वो ले लेती हैं, कह रहा है मेरा दिल, यानी उन्होंने डेढ़ सुर नीचे अंतरा शुरू किया। तो हुआ क्या, ये अंतरा नीचे के सुर से शुरू हुआ यानी काली दो पट्टी में वो फिसल गए। फिर से समझिए, उन्होंने मुखड़ा शुरू किया काली तीन पट्टी में, लेकिन अंतरा फिसल गया काली दो पट्टी में। अब आगे हारमोनियम पे इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, वो भी देख लीजिए। ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ है काली चार पट्टी में तार सप्तक सा से। यहाँ से ये काली चार का तार सप्तक सा है, ये मध्य सप्तक सा है, सारे ग म प ध नी ये तार सप्तक सा है। उन्होंने ये गाना यहाँ से शुरू किया है, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। अब जो एवरेज सिंगर्स ने ये गाने की कोशिश की उन्होंने काली तीन पट्टी में यहाँ से गाया है, यहाँ पे मुखड़ा शुरू किया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये है काली तीन पट्टी में गाया हुआ मुखड़ा। अब इसका अंतरा कहाँ शुरू होता है, पो सारे ग म पो यहाँ पे मुखड़ा शुरू होता है, कह रहा है मेरा दिल। लेकिन ये आम स्त्रियां उनका जो काली चार का तार सप्तक का म यहाँ पे आता है यहाँ तक गा नहीं पाती, उनकी आवाज
फिसल जाती है और वो काली दो पट्टी का प यानी सा रे ग म प यहाँ से अंतरा शुरू करती हैं। कह रहा है मेरा दिल, ये इसे कहते हैं पट्टी नीचे फिसल जाना। मुखड़ा गाया काली तीन पट्टी में जिसका अंतरा यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन उन्होंने आवाज़ फिसला दी और इस पट्टी में गाकर कह यहाँ पे अंतरा शुरू किया। ये है गड़बड़ी स्केल की यानी पट्टी की।